Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. प्रश्न है कि हमने किसी को गुरु बनाया, हम गुरु के समीप गए, अपने मन की ग्रंथियां, कॉम्प्लेक्सेस, जटिलताएं, तकलीफें हमने गुरु के सामने प्रकट की, तो समझ में आया गुरु ने हमें मार्गदर्शन दिया। लेकिन अगर गुरु सामने ही नहीं है तो क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, संभव है। क्योंकि फिर से ध्यान दो, हम चाहे गुरु को ना देखें, हम गुरु की नजर में हैं। या आप सभी सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। तो हम सब गुरु की नजर में हैं। आप कैसे प्रार्थना करोगे? आप बस विश्वास करो कि गुरु आपके आज्ञा चक्र पर है। अगर आपको कन्फेस करना है, अपने कॉम्प्लेक्सेस कहना है, अपनी समस्याएं रखनी है, मूर्ति इसीलिए तो बनाई गई कि गुरु सामने नहीं है तो चैत्य बना दो, एक आकृति बना दो, भगवान की प्रतिमा बना दो, है ना, और उसके सामने अपनी बातें कहो, ये भरोसा करते हुए कि भगवान सुन रहा है। तुम ये चिंता मत करो कि भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, गुरु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। हम अपनी बात कह दें, जैसे हमने अपने कॉम्प्लेक्सेस को सरल होकर के कह दिया, अपनी जटिलताओं को सरलता से कह दिया ना, अपनी जटिलताएं उसी समय सरल हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही होता है। ये परवाह मत करो कि गुरु सामने नहीं है तो कैसे सुनेगा। जब करीमी बनते के पाठ से सामायिक आप लोग करते हो तो उस पाठ में आप पद बोलते हो, तस्य बनते पड़िक मामी निंदामी गरिहामी अपानम उसरा। तस्य बनते, हे भगवान, मैं उसका जो मैं पहले कर चुका हूँ, अभी तो प्रत्याख्यान कर रहा हूँ कि सावध्य योग नहीं करूंगा, लेकिन इसके पहले तो मैं कर चुका हूँ सावध्य योग। इसके पहले तो मैं शोरगुल में रहा हूँ, दिमाग मन वाणी कर्म तीनों मेरे शोरगुल में रहे हैं, है ना, सावध्य में रहे हैं। अब तो मैं उसका प्रत्याख्यान कर चुका हूँ, लेकिन इससे पहले जो मैंने किया है उसका मैं परिक्रमामी प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामी निरीक्षण करता हूँ, इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, गर्हामी कन्फेस करता हूँ, और अपानम वोसिरामी उन सारे दोषों को अपनी आत्मा से डिस्कार्ड करता हूँ, डिसोसिएट करता हूँ। ओके, तो जो गर्हामी पद आता है ना, यहाँ गर्हा गुरु के सामने की जाती है, कन्फेशन गुरु के सामने होता है। अब सवाल यह है कि हम गुरु के सामने सामायिक नहीं कर रहे, हम घर में बैठे कर रहे हैं, पौषितशाला में कर रहे हैं, पूजा स्थल पे कर रहे हैं, तो गुरु के सामने भी बैठे हैं तो वहां हम गुरु को कन्फेस कर नहीं कर पाते क्योंकि 100 लोग बैठे हैं, हम क्या करेंगे। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी ने इसका मार्ग दिया कि आज्ञा चक्र पर गुरु का आह्वान करो। और अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति रूप गुरु अभी नहीं है जिससे तुम कनेक्ट हो, है ना, तो भी सिमंदर स्वामी परमात्मा है जो वर्तमान में अरहंत तीर्थंकर देव है, हम उनका आह्वान कर सकते। हम कहें, गुरुदेव मेरे आज्ञा चक्र पर पधारो 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 यहाँ पर, और फिर भावों से ही गुरु की परिक्रमा करो, तीन बार परिक्रमा करो, और फिर गुरु से क्षमा याचना करते हुए आज्ञा मांगो कि हे गुरुदेव, मैं अपनी अशुभ लेशा लेकर के, मेरी लेशा तो अशुभ है, मेरा और आत्मा शुभ नहीं, विचार ही खराब है, आपकी शुभ लेशा के समीप आता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करना, और मैं अपने मन के सारे दोषों को आपके समक्ष प्रकट करता हूँ, और फिर अपने मन की सारी जटिलताओं समस्याओं प्रश्नों को दुखों को खुद की कमजोरियों को और खुद के उन चेहरों को जो हमने अब तक समाज से छुपाए, दुनिया से छुपाए, परिवार से छुपाए, वो चेहरे जो हमने अपने भीतर छुपा रखे हैं, उन चेहरों को गुरु के सामने प्रकट करो। क्योंकि जब तक हम उन चेहरों को प्रकट नहीं करेंगे ना, हमारे अंदर सरलता नहीं आएगी, और सरलता आए बिना सामायिक में प्रवेश ही संभव नहीं होगा, क्योंकि सामायिक का मतलब आत्मा है। उस आत्मा में प्रवेश तभी हो सकता है जब हम मन की जटिलता को समाप्त करते हैं। तो मन की जटिलता को गुरु के सामने कहना होता है, इसीलिए जो ऐसी सामायिक है ना वो एकांत में होती है या गुरु के समीप होती है, ऐसे पब्लिक प्लेस पे नहीं हो सकती क्योंकि वहां ध्यान डिस्ट्रिक्ट होता है। आजकल रिवाज चल पड़ा है हमारे यहाँ पर कि लोग प्रवचन सभा में ही सामायिक करते हैं, और साधु महात्मा भी प्रवचन सभा में सामायिक करने के लिए विशेष आग्रह करते हैं कि तुम यहाँ सामायिक लेके बैठो। पर हकीकत यह है कि प्रवचन में सामायिक नहीं होती, प्रवचन सुनना इटसेल्फ सामायिक है, वो शुद्ध सामायिक है। या आपको जो सामायिक की साधना करनी वो व्यक्तिगत साधना है,
जिसमें आप अपने आत्मा में प्रवेश करोगे, खुद खुद से मुलाकात करोगे, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है सामंत। तो आप उस समय दो काम नहीं कर सकते, प्रवचन सुनो और अपने भीतर साक्षात्कार करने की या साधना करो, नहीं हो सकेगा। तो ये जो समय है वो अपने एकांत में करो, सूर्योदय के समय करो, सूर्यास्त के समय करो, 12:30 बजे दिन में करो, रात में करो 12:30 बजे, संधि काल में बैठ के सामायिक करो, और तब अपने दोषों को ग्रहण करो, गुरु के सामने प्रकट करो, गुरु नहीं भी यहाँ है, विराजमान करो गुरु को और सारी बात कहो, और कहने के बाद अपने सारे दोषों को प्रकट करके कहो कि गुरुदेव मुझ में क्षमता नहीं कि मैं इन दोषों से मुक्त हो सकूं, लेकिन आपकी क्षमता से ये मेरे दोष विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो। आप मेरी मति में इस तरह से जागृत रहो कि दोबारा दोषों का सेवन मेरे द्वारा ना हो। जैसे ही आपने दृष्टि कहा ना, आपका दिल उसी वक्त महसूस करेगा जैसे मनोबोझ हट गया हो। आप खुद महसूस करोगे आपके अंदर लाइट आई है, प्रकाश आया और आप हल्के हुए हो, आपको ऐसा फील होगा। जैसे आप लोग, हम सभी लोगों का अनुभव है ना, नहा करके निकलते हो तो जो फ्रेशनेस फील होती है उसके लिए किसी का कोई प्रमाण चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, हमें खुद को फील होती है कि हम नहाए, हम फ्रेश हुए, है ना। ठीक ऐसे ही जैसे आप सामायिक में ग्रहण करते हो, कन्फेस करते हो, सच्चे रहते से दिल की गांठें खोलते हो, वहां कुछ छुपाव नहीं, कुछ दुराव नहीं, कुछ कपट नहीं, कुछ लगाव नहीं, वहां जैसे हो वैसे प्रकट कर देते हो, तुरंत उसी वक्त मन के सारे कॉम्प्लेक्सेस निकल जाएंगे। और जैसे आपने कहा पानी वो सिरा में, यानी मन सबको अपने से विसर्जित करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ, अलग कर देता हूँ। अब मैं अपने अतीत से ही डिसोशिएट होता हूँ, अपने पास्ट को भुलाना है। जैसे पास्ट छूटेगा, पास्ट की पकड़ छूटेगी, आपका समय में प्रवेश होगा, वर्तमान में प्रवेश होगा, दैट इज समाइक। और उस क्षण के अंदर आप ध्यान में पहुंचते, ये एक्चुअल ध्यान की प्रोसेस है कि हम अपने पास्ट से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, और पास्ट की पकड़ छूटते ही ऑटोमेटिकली फ्यूचर छूट गया ना, क्योंकि फ्यूचर किस पे बना है? पास्ट के बेस पे फ्यूचर है। पास्ट में जो जो रिकॉर्डेड किया है, जो जो रिकॉर्डिंग्स की है, उसी के आधार पे तो फ्यूचर बनना है। और जैसे रिकॉर्डिंग्स ही हटा दी तो रिलीजिंग ऑटोमेटिक हटेगी। ये कर्म बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया है जो सामायिक का नाम है, है ना। और तब आपने अपने गुरु के सामने कहा, गुरु आपके भावों में, गुरु आपके ध्यान में है, गुरु आपके समक्ष है, आचार्य मान तुम जेल में है और भक्तामर में भगवान की स्तुति कर रहे, ऋषभ देव प्रभु की स्तुति कर रहे। ऋषभ देव भगवान है क्या उनके सामने? बाह्य आंखों से देखोगे तो नहीं है ना, बाह्य स्थूल दृष्टि से देखोगे तो जेल में कह देना, लेकिन उनके भीतर भगवान है, उनके भावों में भगवान है, उनकी दृष्टि में भगवान है, और अब वे भगवान की स्तुति कर रहे हैं और तो ऐसा फील कर रहे हैं वो भगवान के सामने ही है। तो उनके भीतर से सारे बंधन हट गए, जब भीतर से हटे बाहर से भी हट गए। ये तो चमत्कार था, इस सामायिक इतनी बड़ी, इतनी अमूल्य प्रोसेस हमारे हाथ में है, पर हम लोगों को करना ही नहीं आता। हम लोग बिना इसको जाने, बिना इसको समझे, खाली एक पाठ पढ़ा बैठ गए, लेकिन अपने भीतर जाता ही नहीं। उस 48 मिनट में भी हम क्या करते, कुछ किताबें पढ़ ली, कुछ व्याख्यान सुन लिए, कुछ रोज के पाठ रिपीट कर लिए, कुछ मालाएं जप ली, और घड़ी देखते जी पूरा हो गया मेरा टाइम। ऐसा नहीं होता, इस सामायिक को करना सीखो, एक चीज ही सीख लो जिंदगी के अंदर, 100% अपना मैसेज गुरु तक पहुंचता है, नो डाउट। और अगर आपका इस दुनिया में वाकई कोई गुरु जिसके साथ आपका कनेक्शन है, मतलब सपोज आप किसी गुरुदेव से जुड़े हो और उन गुरुदेव से आपको ज्ञान मिला है, वो ज्योत जागी है, तो जैसे आपके भीतर में कुछ सवाल उठता है गुरु के पास जाता है, गुरु की चेतना से आंसर आपको मिल जाता है। और ये सारी प्रोसेस जो है वो अनकॉन्शियस लेवल पे भी हो जाती है, मतलब कॉन्शियसली नहीं भी पता होना तो भी सारी प्रोसेस हो जाती है, उनके भीतर से जवाब आ जाता है हमारे भीतर में, क्योंकि ये कनेक्शन होता है, भावों से कनेक्शन होता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपका बेटा अमेरिका में है सपोज, तो भी भावों से आपका उसका कनेक्शन है, है? कई माताओं का ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप किसी दिन अचानक अपने बेटे के लिए कहते हो, यार उसको बुखार आ रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको फोन करके पूछती हूँ, मेरे अंदर कुछ तो भी लग रहा है। आप फोन करके पूछते हो और बेटा कहता है मम्मी आज ही तबीयत ठीक नहीं मेरी, तुमको पता लगता है ना, क्योंकि तुम एक औरा से कनेक्ट हो, चाहे कितने
कितने हजारों किलोमीटर दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें याद आती है, अचानक फोन की घंटी बजती है। जिसकी याद आती है उसी का फोन आ रहा होता है, होता है ना? सबके साथ अनुभव है, ऐसे ही गुरु के साथ भी होता है। शिष्य और गुरु का संबंध जो है ना, वो चेतना का संबंध है, उस आत्मा से आत्मा का संबंध है। ये एक ही संबंध है जो बिना स्वार्थ का। हो सकता है पति पत्नी में स्वार्थ हो सकता है, जरूरी नहीं है। कुछ लोग बड़े प्रेम से जुड़े होते हैं, कोई स्वार्थ नहीं लेकिन प्रेम है। हो सकता है पिता और पुत्र में भी स्वार्थ का संबंध हो सकता है, लेकिन गुरु का और शिष्य का संबंध निस्वार्थ संबंध, सबसे दिव्य संबंध को। तो गुरु को सुनाई पड़ता है, गुरु महसूस करता है और गुरु से तुमको जवाब मिल जाता है। अगर तुम रिसेप्टिव हो, उतनी रिसेप्टिविटी हमारे अंदर है, तो हमें उस जवाब को महसूस भी करना आता है। हमें पता लगता है कि हमें जवाब मिला है ना? और जैसे ही जवाब मिलता है आपको फील होता है, और वो फील ही आपका प्रमाण है। जय गुरु।